नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल DK सैनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के खनिजों को लेकर। पिछली वीडियो के अंदर दोस्तों, जो पार्ट नंबर एक मैंने डाला था राजस्थान के खनिज से संबंधित, तो उसके अंदर दोस्तों हमने, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तीन जो पार्ट थे वो हमने कम्प्लीट कर लिए थे। खनिजों का दृष्टिकोण हमने देख लिया था, खनिजों की जो चट्टाने थी, कौन कौन सी चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं वो हमने देख लिए थे, और खनिजों का वर्गीकरण लोह धात्विक खनिज, अलोह धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, ये सारे के सारे हमने वर्गीकरण वहाँ पर देख लिए थे। पिछली वीडियो को आपने यदि नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट मैंने एक बना रखी है दोस्तों फ्री क्रैश कोर्स की, राजस्थान जो भूगोल का हमने क्रैश कोर्स जो फ्री निकाला है उसके अंदर दोस्तों लगभग 5 से 6 टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। जैसे कि राजस्थान की उत्पत्ति हो गई, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की झीलें, राजस्थान की नदियाँ, राजस्थान में सिंचाई जो परंपरा है, वो सारी की सारी जो टॉपिक वाइज जो कंप्लीट है, पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। और उनके बीच में दोस्तों ट्रिक भी आपको बताई गई है जीके की, जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था। अब आज की इस वीडियो में जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर मैं आपको खनिज उत्पादन के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। उसके बाद में दोस्तों खनिज नीतियाँ थर्ड पार्ट के अंदर हम रखेंगे, छोटा टॉपिक रहेगा हमारा खनिज नीतियों का। खनिज उत्पादन दोस्तों तो बड़ा है, इस वजह से वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को जुड़ने के लिए चैनल से सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आगे जितने भी वीडियो आएंगी, चाहे वो हिस्ट्री की हो, पॉलिटिकल की हो, आपको ये जो नोट्स जो मैंने बना रखे हैं अच्छे से, आपको ये वीडियो फॉर्मेट के रूप में उपलब्ध होंगे। तो दोस्तों आप भी यदि पहली बार जीके पढ़ रहे हो तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो तीन हमारे कंप्लीट हो गए थे, वहाँ पर चौथे नंबर का है खनिज उत्पादन। जो खनिजों का उत्पादन है वो कहाँ कहाँ से होता है, कौन कौन सी जगह से होता है, वो वहाँ पर, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले नंबर पे आते हैं अरावली पेटी के खनिज, अर्थात जो अरावली पर्वतमाला है उससे कौन कौन से खनिज हमको प्राप्त होते हैं, तो वो देखिए नोट के अंदर इम्पोर्टेंट होते हैं, जो सारे नोट यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले नंबर पर है अंजनी सलुम्बर, उदयपुर में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। जो सलुम्बर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, उदयपुर में तांबे के लिए। भागेल वारी क्षेत्र जो है वो चित्तौड़ में तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और तिरंगा जो क्षेत्र है वो भीलवाड़ा में लोह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो प्रश्न पूछा जाता है वो इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि अंजनी सलुम्बर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर ऑप्शन में आपको दे देगा तांबे के लिए प्रसिद्ध है, लोहे के लिए प्रसिद्ध है, तो आप यहाँ पर आप इनको याद कर लीजिए, वहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपका सही हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे के सारे नोट के अंदर मैं डाल देता हूँ, और वाक्य तो हम वैसे भी करते ही हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको चित्र के माध्यम से सारी चीज़ आपको बताई गई है। जैसे कि बीच में जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये है अरावली का, अरावली पेटी के खनिज पढ़ रहे हैं तो ये अरावली का चित्र है। अरावली के अंदर भी हमने तीन भागों में इसको बांटा है, तांबा, लोहा और सीसा, जस्ता, चांदी। तो ऊपर जो भाग है उत्तरी अरावली का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अर्थात झुंझुनू, सीकर और अलवर वाला जो क्षेत्र होता है, इसके अंदर दोस्तों तांबा ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो तांबा पाया जाता है झुंझुनू के अंदर, खेतड़ी के अंदर पाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तांबा के साइड में, यहाँ पर तीर का जो निशान आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं जिसमें तांबा उत्पादन होता है, तो ये अरावली का बीच में चित्र है। तांबा उत्पादन करने वाले ज़िले हैं झुंझुनू ज़िला, सीकर ज़िला और अलवर ज़िला, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं तांबा की, तो तांबे के तीन पार्ट आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर ये तीन पार्ट हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे आता है झुंझुनू, झुंझुनू में भी तांबा कहाँ पर होता है, तो झुंझुनू के अंदर भी स्थान आता है खेतड़ी और कोलहन, तो ये दो स्थान है यहाँ पर तांबा उत्पादन सर्वाधिक होता है। उसके बाद में आता है सीकर, जिसमें एक ढाणी पड़ती है, बन्नों की ढाणी, सीकर के अंदर एक ढाणी पड़ती है, बन्नों की ढाणी, या आप बोल सकते हो नीम का थाना क्षेत्र, यहाँ पर तांबा का जो उत्पादन है वो होता है। और हमारे अलवर के अंदर आता है एक खोदरीवा स्थान, यहाँ पर भी तांबा का जो उत्पादन है वो किया जाता है। तो तांबे से संबंधित जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट देखिए, जो लोहा है, लोहा दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीर के निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे इस तरीके से, तो इन दोनों तीर के निशानों का आप देखिए, लोहा जो है वो झुंझुनू के अंदर भी पाया जाता है। झुंझुनू के अंदर एक स्थान है डाबला सिंगाना, झुंझुनू के अंदर एक स्थान है डाबला सिंगाना, यहाँ पर लोहा पाया जाता है। और लोहा पाया जाता है उदयपुर के अंदर, उदयपुर में भी एक नाथरा की पाल है और एक थूर हुंडेर एक स्थान है वहाँ पर पाया जाता है। तो आप शॉर्टकट में आप इसको याद कर सकते हैं नाथू, नाथू नाम आप याद रख ले, नाथू से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ना से तो नाथरा की पाल
और थूसे थूर हुंडेर ये स्थान है, यहाँ पर लोहा पाया जाता है। अब नीचे की साइड यदि हम बात करें सीसा दस्ता वाले की, तो यहाँ पर सीसा दस्ता वाले का उत्पादन देखिए, दोनों तरफ आपको तीर के निशान दिखाई दे रहे होंगे, एक तो इस तरफ और एक नीचे की तरफ, तो दोनों तीर के निशानों को ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे इनको, सीसा दस्ता और चांदी ये जो पाए जाते हैं खनिज, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? उदयपुर में, राजसमंद में और भीलवाड़ा में। उदयपुर में भी जावर और देवरी ये स्थान है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। राजसमंद में राजपुरा दरीबा है एक स्थान, वहाँ पर ये जो सीसा दस्ता चांदी है ये उत्पादन यहाँ पर होता है। और भीलवाड़ा के अंदर यहाँ पर देखिए पहला स्थान है रामपुरा आगूचा, दूसरा स्थान है आगूचा गुलाबपुरा, तो यहाँ पर ये सीसा दस्ता और चांदी जो है वो पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर भंडारण के दृष्टिकोण से, यहाँ पर आप देखिए सीसा दस्ता जो भंडारण होता है उसमें एक तो आता है सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, और एक आता है अलवर के अंदर कुढ़ा, जिसको हम किशोरी दासपुरा एक स्थान है, वहाँ पर सीसा और दस्ता का जो भंडारण है वो किया जाता है। तो दोस्तों ये जो आरेख आपको बताया गया है चित्र के द्वारा, इससे बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि तांबा कहाँ पर है, लोहा कहाँ पर है, सीसा दस्ता और चांदी कहाँ पर है। तो दोस्तों बिल्कुल सरल तरीके से नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, आगे भी आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों जो अरावली पेटी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, अब हम पढ़ रहे हैं वागड़ पेटी के खनिज। वागड़ क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जो खनिज है वो पाए जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं खनिज का नाम है फ्लोराइट या फ्लो इस्पार, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खनिज पाया जाता है। एक खनिज पाया जाता है हीरा, सोना और मैंगनीज, ये आपको वागड़ क्षेत्र के अंदर देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वागड़ क्षेत्र होता है दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का। मैं चित्र आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा ये क्षेत्र है दोस्तों। एक क्षेत्र तो दोस्तों डूंगरपुर का है, एक क्षेत्र यहाँ पर ये प्रतापगढ़ का है, और एक क्षेत्र बांसवाड़ा का है। तो जो प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है यहाँ पर आपको हीरा केसरपुरा ये जो खनिज है वो पाया जाता है प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र के अंदर। और जो आपको ये खनिज जो पाया जाता है सांडी की पाल पर पाया जाता है फ्लोराइट और फ्लोस्पार, ये डूंगरपुर के अंदर पाया जाता है। और जो आपको पाया जाता है दोस्तों यहाँ पर सोना और मैंगनीज, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं बांसवाड़ा ज़िले के अंदर सोना और मैंगनीज पाए जाते हैं, जिसमें सोना आनंदपुरा भूकिया जगपुरा भूकिया ये स्थान है बांसवाड़ा के, वहाँ पर सोना पाया जाता है। और बांसवाड़ा के अंदर खनिज पाया जाता है वो स्थान है लीलवानी स्थान, काला खूंटा स्थान और तलवाड़ा, ये बांसवाड़ा के अंदर वही स्थान है जहाँ पर सोना और मैंगनीज पाए जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नोट के अंदर इम्पोर्टेंट है घोटिया अम्बा, ये एक स्थान है दोस्तों घोटिया अम्बा, यहाँ पर दोस्तों सोने के नवीनतम जो भंडार है, नवीनतम जो सोने के भंडार है वो यहाँ पर खोजे गए हैं। और ये घोटिया अम्बा कहाँ पर है? बांसवाड़ा ज़िले के अंदर है। तो दो हमने पढ़ लिया है, अरावली पर्वतमाला के अंदर जो खनिज पाए जाते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, और जो वागड़ क्षेत्र के अंदर जो खनिज पाए जाते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट है क्ले खनिज, तो क्ले वाले खनिज कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि बोल क्ले खनिज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्ले वाले खनिज है, मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। बोल क्ले खनिज, बीकानेर क्ले भी इसको बोलते हैं, बीकानेर के अंदर पाए जाते हैं। चाइना क्ले, चीनी मिट्टी, ये भी बीकानेर के अंदर पाया जाता है। फायर क्ले, ये भी बीकानेर के अंदर, तो तीनों प्रकार के जो ये क्ले हैं वो बीकानेर के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लीचिंग क्ले, या आप मुल्तानी मिट्टी भी इसको बोल सकते हो, तो ये बाड़मेर में पाए जाते हैं और बीकानेर में भी पाए जाते हैं, तो दो जगह ये पाए जाते हैं मुल्तानी मिट्टी वाले जो खनिज हैं, या ब्लीचिंग क्ले आप इसको बोल सकते हैं, तो बाड़मेर और बीकानेर के अंदर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सिलिका सैंड, सिलिका जो सैंड रेत है ये दोस्तों बूंदी के अंदर पाई जाती है और जयपुर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो बूंदी के अंदर बड़ोदिया एक स्थान है, यहाँ पर ये जो रेत है सिलिका सैंड ये पाई जाती है और जयपुर के अंदर भी ये पाया जाता है। तो तीन कंप्लीट हो गए हैं। चौथे नंबर पर देखते हैं स्टोन वाले खनिज, अर्थात जहाँ पर पत्थर पाए जाते हैं, पत्थर वाले जो खनिज होते हैं दोस्तों उनके बारे में हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, मैं वैसे चित्र बना देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो रही है। तो दोस्तों ये है राजस्थान का नक्शा, और यहाँ पर है ये जोधपुर, जोधपुर है, यहाँ पर क्या है जालौर है, यहाँ पर कोटा है, और यहाँ पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये वाले ज़िले हैं। तो दोस्तों
यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं जोधपुर ज़िले के अंदर। तो जोधपुर ज़िले के अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है इमारती पत्थर। जोधपुर ज़िले के अंदर कौन सा पत्थर पाया जाता है? इमारती पत्थर पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं जालौर ज़िले की। जालौर ज़िले के अंदर क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट जो पत्थर है वो कहाँ पर पाया जाता है? जालौर के अंदर। और एक है दोस्तों राजसमंद। ये दोस्तों आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, राजसमंद है यहाँ पर। और राजसमंद में क्या पाई जाती है? मार्बल वाला जो पत्थर होता है, मार्बल वाला जो पत्थर है वो राजसमंद के अंदर पाया जाता है। कोटा स्टोन के अंदर, कोटा जो ज़िला है उसके अंदर कोटा स्टोन पाया जाता है। और ये चार ज़िले आपको जो ABCD के रूप के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ए का मतलब होता है अलवर, बी का मतलब भरतपुर, डी का मतलब दौसा और सी का मतलब करौली। दोस्तों यहाँ पर डी का मतलब है धौलपुर। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले अलवर के अंदर क्या पाया जाता है? स्लेट स्टोन। जो स्लेट स्टोन है वो अलवर के अंदर पाया जाता है। भरतपुर के अंदर दोस्तों बलुआ पत्थर पाया जाता है। भरतपुर में क्या पाया जाता है? बलुआ पत्थर। वैसे मैं नीचे बता दूंगा आपको चित्र में, यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की साइड नोट के अंदर, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर है। सबसे पहले बात करते हैं मार्बल की अन्य किस्में कौन कौन सी हैं। तो मार्बल की देखिए 7-6 प्रकार की किस्में हैं। सफ़ेद मार्बल, काला मार्बल, पीला मार्बल, हरा मार्बल, गुलाबी मार्बल और सतरंगी मार्बल। तो ये सारे के सारे जो मार्बल है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो उनके जो क्षेत्र है वो भी बताए गए हैं। जैसे कि सफ़ेद मार्बल जो है वो नागौर के अंदर, मकराना नागौर के अंदर सफ़ेद मार्बल पाया जाता है। काला मार्बल भैंसलाना जयपुर के अंदर पाया जाता है। पीला मार्बल पीथला जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। हरा मार्बल ऋषभदेव उदयपुर में। गुलाबी मार्बल ऋषभदेव बाबरमाल उदयपुर में। सतरंगी मार्बल जो है वो पादरला पाली के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मार्बल की भी बहुत सारी जो किस्म है वो यहाँ पर बताई गई है और कहाँ पर ये पाया जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है वो सर्वाधिक जोधपुर के अंदर पाया जाता है, जिसको हम यहाँ पर चित्र के अंदर भी मैंने बताया था। जो महंगे खनिज होते हैं, इमारती जो खनिज होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इमारती जो पत्थर होता है दोस्तों, इमारती जो पत्थर है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? लाइमस्टोन जो है वो इमारती पत्थर हिंदी के अंदर यहाँ पर इसको कहा जाता है। तो जोधपुर के अंदर इमारती पत्थर पाए जाते हैं जिसको लाइमस्टोन कहते हैं। इसको भी तीन प्रकार से हमने यहाँ पर बांट दिया है। केमिकल लाइमस्टोन अर्थात रासायनिक जो इमारती पत्थर है वो, सीमेंट लाइमस्टोन जिसके अंदर सीमेंट पाई जाती है, और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन जिसके अंदर स्टील वाले जो खनिज होते हैं वो निकलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो केमिकल लाइमस्टोन होता है वो जोधपुर के अंदर पाया जाता है सर्वाधिक। उसके बाद में जो सीमेंट लाइमस्टोन है जिससे सीमेंट प्राप्त की जाती है वो चित्तौड़गढ़ और कोटा के अंदर पाए जाते हैं, और जिसके अंदर स्टील निकलता है वो सोनू क्षेत्र है एक जैसलमेर के अंदर, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पोटास। जो पोटास खनिज है वो हनुमानगढ़ के अंदर पाया जाता है और बीकानेर के अंदर पाया जाता है। सर्वाधिक हनुमानगढ़ के अंदर पाया जाता है, इस वजह से इसको पहले नंबर पर हमने रखा है। नेक्स्ट है अरावली में सीकर, अजमेर और उदयपुर ज़िलों के जो खनिज है, ये तीन ज़िले हैं अरावली के अंदर, सीकर, अजमेर और उदयपुर ज़िले। तो इनके कौन कौन से खनिज है, तो आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले ट्रिक आपको यहाँ पर बताई गई है। ट्रिक ये है, यहाँ पर जो ट्रिक आपको दिखाई दे रही है आप देख सकते हैं, क्वार्टर लेकर फेल हो गया। क्वार्टर लेकर फेल हो गया, ये आपके ट्रिक है। क्वार्टर का मतलब क्वार्टज लिकर लिथियम ग्रेफाइट फेल्सफार। तो ये ट्रिक है याद करने की, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको बीच में अरावली दिखाई दे रही होगी, अरावली में भी यहाँ पर तीन ज़िले आपको दिखाई दे रहे होंगे, अजमेर, सीकर और उदयपुर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं सीकर ज़िलों के अंदर पाए जाने वाले खनिजों के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीकर के खनिज है। सीकर में आपको कप याद करना है, कप। क का मतलब केलसाइट और पे का मतलब पाइराइट। कप यदि आप याद कर लोगे तो इसके खनिज भी आपको याद हो जाएंगे सीकर ज़िले के। और अजमेर ज़िले के मैंने आपको बताए दिए हैं, ये अजमेर ज़िले के खनिज है दोस्तों। क्वार्टर लेकर फेल हो गया अजमेर, अजमेर ज़िले के खनिज है क्वार्टज लिथियम फेल्सफार। अब बात करते हैं उदयपुर ज़िले के खनिजों की। तो उदयपुर ज़िले के जो खनिज है वो है हमारे पास ये है दोस्तों उदयपुर ज़िले के खनिज। तो यहाँ पर देखिए उदयपुर ज़िले के खनिज है एस्बेस्टोस, ये पाया जाता है ऋषभदेव उदयपुर में। घिया पत्थर देवपुरा सालौज उदयपुर में। रॉक फॉस्फेट जिसमें भी झामर कोटड़ा और लाठी बिरमानिया, ये क्षेत्र है जहाँ पर रॉक फॉस्फेट पाया जाता है, जिसमें झामर कोटड़ा दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इनको याद ज़रूर करें। झामर कोटड़ा वाला रॉक फॉस्फेट वाला इम्पोर्टेंट है।
अब दोस्तों नेक्स्ट देखिए नोट के अंदर, राजस्थान में सर्वाधिक जो खनिज उत्पादन करता है वो कौन सा ज़िला है जो सर्वाधिक खनिज का उत्पादन करता है, तो उसका नाम हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर राजस्थान का एक ऐसा ज़िला है जो कि खनिजों का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अब देखिए नागौर ज़िले के कौन कौन से खनिज है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नागौर ज़िले के अंदर है जीटी, जिप्सम और टंगस्टन। तो नागौर के आसपास के क्षेत्र के भी आप खनिज यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो नागौर के मैंने आपको बताई दिए, नागौर ज़िले के खनिज है दोस्तों जिप्सम और टंगस्टन, और आसपास के ज़िले के जो खनिज हैं वो यहाँ पर देखिए, जैसे कि बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये ज़िले हैं। तो तीनों के अंदर यहाँ पर बीकानेर की बात करें तो जामसर, लूणकसर, यहाँ पर ये खनिज पाए जाते हैं जिप्सम और टंगस्टन। जैसलमेर के अंदर चांदन एक गांव है, वहाँ पर ये खनिज पाए जाते हैं। और बाड़मेर के अंदर कवास और उत्तरलाई है, यहाँ पर ये जिप्सम और टंगस्टन पाए जाते हैं। तो ये जो चारों ज़िले हैं इसमें ये सारे के सारे जो खनिज है वो दोस्तों पाए जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये चार ज़िले आपको दिखाई दे रहे हैं, तो बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, नागौर हो गया और बाड़मेर हो गया। चारों ज़िलों के अंदर जिप्सम और टंगस्टन पाए जाते हैं और क्षेत्र भी यहाँ पर आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जिप्सम से संबंधित हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब जिप्सम यहाँ पर देखिए, जिप्सम का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है दोस्तों वो होता है बीकानेर से। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है, बीकानेर ज़िले से होता है। और टंगस्टन के यहाँ पर देखिए, नागौर, पाली, सिरोही, ये टंगस्टन यहाँ पर भी पाया जाता है। डेगाना, रेवत पहाड़ी पर नागौर के अंदर, और पाली के अंदर वालदा आबू, यहाँ पर ये जो टंगस्टन है वो पाया जाता है। नोट के अंदर यहाँ पर देखिए, जो डेगाना स्थान है यहाँ पर नागौर में स्थित टंगस्टन की खान जो वर्तमान में बंद है। डेगाना में पहले पाया जाता था लेकिन वर्तमान में ये क्या है, बंद है। देश की सबसे बड़ी खान थी ये, लेकिन वर्तमान में ये दोस्तों बंद है। टंगस्टन की सबसे बड़ी खान कहाँ पर थी, डेगाना में, लेकिन फिलहाल ये बंद है। अब दोस्तों आठवें नंबर पे देखिए, 100% या आप ऐसे बोल सकते हो एक अधिकार वाले खनिज, अर्थात जिन ऐसे ज़िले हैं, ऐसे खनिज हैं ये जिन पर अधिकार केवल उसी ज़िले का है। जैसे कि अजमेर जो ज़िला है इसके अंदर दोस्तों तांबड़ा, ग्रानाइट, रक्तमणि ये पाए जाते हैं। और अजमेर के अंदर सारवाड़ एक स्थान है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। टोंक के अंदर राजमहल और जनकपुर स्थान है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सिरोही के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हो हरी अग्नि वाला जो पन्ना होता है, जिसको हम अंगुलियों के अंदर, अंगूठी के अंदर पहनते हैं, हरी अग्नि या जिसको पन्ना भी बोला जाता है, ये दोस्तों सिरोही के अंदर पाया जाता है। काला गुमान खान है, खान का नाम यहाँ पर बताया गया है और स्थान भी यहाँ पर बताया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों जो लाल गेरू होता है जिसको ओकर भी बोलते हैं, ये पाया जाता है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के अंदर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ये 100% खनिज वाले यहाँ पर आपको बताए गए हैं। आर्थिक समीक्षा की यदि बात करें, आर्थिक समीक्षा 2017-18 की बात करें, फिलहाल दोस्तों आपको ये नहीं पढ़ना है क्योंकि आपको आर्थिक समीक्षा 2021-22 वाली आ गई होगी, आप उसको पढ़ना है। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार कौन कौन से जो खनिज है वो वहाँ पर आपको पता चल जाएंगे। अब दोस्तों जिनका नाम बैपे आता है हिंदी वर्णमाला में या इंग्लिश के अंदर बी पर आता है, तो कौन कौन से खनिज है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बेंटोनाइट, बॉक्साइट, बेरिलियम, बाड़मेर, कोटा। तो ये जो बेंटोनाइट जो खनिज है वो बाड़मेर में पाया जाता है, बॉक्साइट खनिज कोटा के अंदर पाया जाता है। तो ये तीन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, बी बी बी, बेंटोनाइट, बॉक्साइट और बेरिलियम, ये बी नाम पर आने वाले खनिज है। तो बेंटोनाइट और बॉक्साइट मैंने बता दिए कहाँ कहाँ पर है। अब हम बात कर लेते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम दोस्तों जयपुर के अंदर भी उत्पादन होता है बेरिलियम का, अजमेर के अंदर भी होता है और उदयपुर के अंदर भी होता है। स्थान भी आपको बताया गया है, जैसे कि गुजरवाड़ा जयपुर का स्थान है वहाँ पर बेरिलियम होता है। अजमेर में एक स्थान है बांदर या सिंदरी, वहाँ पर बेरिलियम होता है। उदयपुर के अंदर शिकारबाड़ी है, वहाँ पर क्या होता है, बेरिलियम होता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों परमाणु खनिज, या इनको आणविक खनिज भी बोला जाता है। तो परमाणु खनिज और आणविक खनिज कौन कौन से हैं, यूरेनियम और थोरियम। अब दोस्तों ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं तो आपको यहाँ पर क्षेत्र भी बताए गए हैं। देखिए सीकर, पाली, भीलवाड़ा और उदयपुर, ये चार ज़िले हैं सीकर,
पाली, भीलवाड़ा और उदयपुर, जिसमें भी उदयपुर और ये जो है उदयपुर और सीकर जो है यहाँ पर दोस्तों आपको यूरेनियम पाया जाता है। पाली और जो भीलवाड़ा ज़िला है यहाँ पर थोरियम पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र के अंदर भी आपको बताया गया है। उदयपुर और सीकर के अंदर यूरेनियम पाया जाता है, पाली और भीलवाड़ा के अंदर थोरियम पाया जाता है। पहाड़ी आपको बताई गई है, सीकर में खंडेला की पहाड़ी और रोहिला क्षेत्र, यहाँ पर थोरियम पाया जाता है। पाली के अंदर बद्रावन है, वहाँ पर थोरियम पाया जाता है। उमरा उत्तर प्रदेश के अंदर जो उमरा है वहाँ पर ये पाया जाता है यूरेनियम, और सरदारपुरा में थोरियम पाया जाता है भीलवाड़ा में। तो दोस्तों आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नोट के अंदर इम्पोर्टेंट है MICA, ये क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए भीलवाड़ा का एक स्थान है दाता बुनास, यहाँ पर ये पाया जाता है। अभ्रक को खनिजों का बीमार बच्चा कहा जाता है, जो अभ्रक खनिज है उसको बीमार बच्चा कहा जाता है, क्योंकि देश की 20 बड़ी खानें अभ्रक की है, अभ्रक से संबंधित है। देश की जो 20 बड़ी खानें हैं वो अभ्रक से संबंधित है, और 50% जो उत्पादन है वो अभ्रक का ही होता है, और इस वजह से दोस्तों बीमार बच्चा इसको कहा जाता है। किसको? अभ्रक को। अब नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बता दिया है अभ्रक से संबंधित, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खाने हैं इसी की है, 20 बड़ी खाने, और 50% जो उत्पादन है वो किसका होता है? अभ्रक का। नेक्स्ट है दोस्तों 11वें नंबर पे ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, ऊर्जा खनिज जिसमें हमने वर्गीकरण पढ़ा था, तो ऊर्जा खनिज होते हैं पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला, ये ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आते हैं। तो जो पेट्रोलियम है दोस्तों इसके दो भागों में हम इसको बांटते हैं, पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रो का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब होता है तेल। तो यहाँ पर देखिए पेट्रोलियम का जो सर्वाधिक भंडारण होता है राजस्थान के अंदर वो कहाँ पर होता है वो देखिए। राजस्थान में पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडारण व उत्पादन जो होता है वो बाड़मेर ज़िले के अंदर होता है। राजस्थान में पेट्रोलियम भंडारण 4 बेसिन के अंदर पाया जाता है। तो ये चारों बेसिन कौन कौन से हैं वो देखिए चित्र के माध्यम से। चार बेसिन आपको बताए गए हैं, चार तीर के निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो पहले नंबर पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाड़मेर, नीचे की साइड आप देखिए बाड़मेर, जिसको सांचौर बेसिन के नाम से जाना जाता है। सेकंड नंबर पर दोस्तों विंध्यन बेसिन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम ONGC, ये खनिज है केयर्न एनर्जी के लिए। नेक्स्ट है बीकानेर नागौर बेसिन के अंदर, बीकानेर नागौर बेसिन के अंदर यहाँ पर देखिए ओयल अर्थात ओयल इंडिया लिमिटेड वो यहाँ पर है। SR जो है वो गंगानगर में है। उसके बाद में जैसलमेर के अंदर दोस्तों राजस्थान सेल्फ बेसिन है, इसके अंदर भी ONGC है और PDVSA है, वेनेजुएला से संबंधित। तो विस्तारपूर्वक तो अध्ययन कर लेंगे, आगे देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चारों के चारों क्षेत्रों के बारे में, एक तो बाड़मेर विंध्यन बेसिन, बीकानेर नागौरी बेसिन और ये जैसलमेर वाला क्षेत्र। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों पेट्रोलियम का सर्वाधिक जो भंडारण होता है वो मैंने आपको बता दिया पहले भी, बाड़मेर के अंदर होता है, और बाड़मेर में भी अब हमने भाग फट लिया है, तो बाड़मेर का आया है सांचौर बेसिन। तो चार बेसिन मैंने बताए हैं, चारों बेसिन देखिए। पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र पहले नंबर पर आता है बाड़मेर, जिसमें भी नागाना, कोसलू, बायथू और गुढ़ामलानी, ये चार क्षेत्र हैं बाड़मेर के भी, यहाँ पर पेट्रोलियम का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट नोट के अंदर इम्पोर्टेंट है बाड़मेर के अन्य पेट्रोलियम कुएँ कहाँ कहाँ पर हैं, तो उनके नाम देखिए। बाड़मेर के अन्य पेट्रोलियम कुएँ विजया, शक्ति, भाग्यम और कामेश्वरी, तो ये पेट्रोलियम कुएँ हैं। नेक्स्ट मंगला राजस्थान का प्रथम पेट्रोलियम कुआ, जहाँ से उत्पादन 29 अगस्त 2009 से शुरू हुआ था। तो कुएँ का नाम ही यहाँ पर रख दिया है मंगला कुआ। तो राजस्थान का जो प्रथम पेट्रोलियम कुआ है वो उसका नाम क्या है? मंगला कुआ। वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे बड़ा क्षेत्र यही है। सेकंड नंबर पर दोस्तों हम पढ़ रहे हैं जैसलमेर से संबंधित, तो जैसलमेर से संबंधित नाम याद करने की जो ट्रिक है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाग में साधा तना चन्ने वाला, बाग में साधा तना चन्ने वाला, तो यहाँ पर देखिए बागे वाला वेनेजुएला से संबंधित है, सादे वाला ONGC, तनोट ONGC और चिन्ने वाला ये भी कहाँ पर है? ONGC।
तो इनसे संबंधित ये यहाँ पर है, इनसे संबंधित जो इकाइयाँ हैं जैसे कि वेनेजुएला ने यहाँ पर सहायता की है ये इकाई खोलने में, PDVSA की। तो ये खनिजों के प्रकार हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ट्रिक आप याद कर लेना कि जैसलमेर में ये खनिज है, एक तो है PDVSA और एक है ONGC। नाम भी है बागेवाला, सादेवाला, तनोट और चिन्नेवाला, ये जैसलमेर में है। बीकानेर के अंदर है तुबरीवाला, पूनम क्षेत्र है, खोज की थी OIL, जो ऑयल लिमिटेड है उसने, स्थिति बीकानेर नागौर बेसिन है, और उत्पादन 30,000 बैरल प्रतिदिन, जो उत्पादन है वो पेट्रोलियम का किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पादन में राजस्थान का देश बॉम्बे हाई के बाद दूसरा स्थान है, देश के अंदर जो है वो राजस्थान का दूसरा स्थान आता है पेट्रोलियम के उत्पादन में। राजस्थान में पेट्रोलियम का जो प्रतिदिन उत्पादन होता है वो कितना होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1,60,000 से लेकर 1,70,000 बैरल प्रतिदिन, ये राजस्थान के अंदर पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। पेट्रोलियम की जो रिफाइनरी है वो कहाँ कहाँ पर है आप यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्थान के अंदर पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ कहाँ पर है। तो बजट पेश किया था तो पंचपदरा के अंदर जो स्थान है यहाँ पर ये बजट पेश किया था, और सहयोग था HPCL का, जो राजस्थान सरकार है उसके अंदर ये जो परसेंटेज डिसाइड किया है, एक कंपनी है HPCL और राजस्थान सरकार का जो परसेंटेज है वो 74.,  यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुपात के रूप में 26, ये इसका परसेंटेज डिसाइडेड है पेट्रोलियम रिफाइनरी से संबंधित। तो विशेषता देखिए, राजस्थान की पहली रिफाइनरी और देश की 26वीं रिफाइनरी जो है तो ये होने वाली है दोस्तों। ये दोस्तों करंट से संबंधित है, आर्थिक समीक्षा आई थी 2017-18 वाली, तो ये वो वाली यहाँ पर ये थोड़ा सा वहाँ पर बायोडाटा बताया गया है। तो आप आर्थिक समीक्षा 2020-21 की जो आई है उसको पढ़ें, आप इसको भी देख सकते हैं, इससे आइडिया हो जाएगा कि किस आधार के जो नोट्स हैं वो बनाने चाहिए। तो आर्थिक समीक्षा 2019-20 वाली आप देख लेना, वहाँ से ये समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन है कि रिफाइनरी के लाभ और नुकसान क्या होते हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्राकृतिक गैस, राजस्थान में सर्वाधिक भंडारण व उत्पादन जैसलमेर के अंदर होता है। प्राकृतिक गैस राजस्थान में सर्वाधिक भंडारण व उत्पादन जैसलमेर जिले में होता है। इसका जो उत्पादन क्षेत्र है वो दोस्तों यहाँ पर है जैसलमेर। याद करने की ट्रिक आप यहाँ पर देख सकते हो, डंडे का गम राम तूने मन में घोटा, ये हो जाएगी दोस्तों इसकी ट्रिक याद करने की। तो ट्रिक के द्वारा दोस्तों आपको जो पूरे नोट्स हैं वो मैंने बता दिए हैं, तो आप इन ट्रिकों को ज़रूर याद करें। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों इस ट्रिक का मतलब क्या होता है, डांडे वाला, घुमाने वाला, रामगढ़, तनोट, महिहारी, टिब्बा और घोटारू, ये क्या है दोस्तों जैसलमेर के जिले, जो जैसलमेर जिला है उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर ये प्राकृतिक गैस के जो भंडार है वो पाए जाते हैं। जैसे कि तनोट ये एक स्थान का नाम है, घोटारू स्थान का नाम है, मनीहारी टिब्बा ये भी स्थान का नाम है, रामगढ़ स्थान का नाम है, घुमाने वाला और डांडे वाला ये भी क्या है एक स्थान के नाम है, और यहाँ पर प्राकृतिक गैसें पाई जाती है। नेक्स्ट अब नोट के अंदर देखिए इंपॉर्टेंट, राजस्थान में गैस उत्पादन सबसे पहले घोटारू से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ था तो यहाँ पर मैं जूम करके आपको बता देता हूँ, देखिए 1996 के अंदर शुरू हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन फोकस एनर्जी द्वारा होता है। नेक्स्ट है बाड़मेर, हमने जैसलमेर के बारे में पढ़ लिया है, अब दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर दोस्तों यहाँ पर एक स्थान आता है गुढ़ा मालानी, जो कि रागेश्वरी यहाँ पर ये स्थान का नाम है, तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कोयला, राजस्थान में सर्वाधिक जो कोयले का भंडारण है और जो उत्पादन है वो बाड़मेर ज़िले में होता है। निर्माण काल के आधार पर कोयला कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, तो निर्माण के आधार पर हो रही है बात, तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार, गोडवाना लैंड से 98% कोयले का उत्पादन होता है, और सेकंड है टर्शियरी, यहाँ से 2% जो कोयला का उत्पादन है वो होता है। और राजस्थान में जो सर्वाधिक पाया जाता है वो 2% के अंतर्गत ही आता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला चार प्रकार का होता है, कोयले के प्रकार देखिए, कार्बन की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट, ये चार प्रकार के जो कोयला हैं वो पाए जाते हैं। और कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है वो देखिए,
एंथ्रासाइट में जो कार्बन है वो 95% पाया जाता है, बिटुमिन्स में 60-70%, लिग्नाइट में 50-60%, और पीट के अंदर 45-50% जो कार्बन की मात्रा है वो पाई जाती है। रंग की यदि बात करें तो दोस्तों एंथ्रासाइट जो कोयला है वो काले रंग का चमकीला होता है, बिटुमिन्स जो कोयला होता है वो काला भूरा कोयला होता है, और लिग्नाइट जो होता है वो भूरा कोयला होता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि कार्बन की मात्रा इसमें सर्वाधिक पाई जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ कोयला वो होता है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक हो, ताप की मात्रा अधिक हो, धुआं कम छोड़े और राख भी कम प्राप्त हो, और उसकी आग कैसी होनी चाहिए, नीली नीली लो के साथ वो कोयला जलना चाहिए, वो सबसे बेस्ट कोयला होता है। उत्पादन क्षेत्र की यदि हम बात करें, कोयले के उत्पादन क्षेत्र कहाँ कहाँ पर होता है, तो बाड़मेर में देखिए, बाड़मेर के अंदर कहाँ कहाँ पर होता है, तो याद करने की ट्रिक है कपूर जागिरी भादरेस, तो कपूरडी जालिया गिरल और भादरेस ये स्थान है बाड़मेर के, यहाँ पर कोयला का जो उत्पादन है वो होता है। सेकंड है बीकानेर, पलाना बीठनोक बरसिंगर गुढ़ा, यहाँ पर क्या होते हैं, कोयला का उत्पादन होता है। नोट के अंदर देखिए एक स्थान है पलाना, ये क्या है, देश में सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट पलाना बीकानेर से उत्पादित होता है। नेक्स्ट है नागौर के अंदर मेड़दा सिटी इग्यार मातासुख कसनेऊ क्षेत्र, यहाँ पर दोस्तों जो है कोयले का उत्पादन होता है। नोट के अंदर लिग्नाइट उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है, फर्स्ट नंबर पे तमिलनाडु आता है देश में, और सेकंड नंबर पे गुजरात आता है, तीसरे नंबर पे क्या आता है, राजस्थान आता है। तो लिग्नाइट जो कोयला होता है उसका उत्पादन में राजस्थान तीसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट देखिए अब हम पढ़ेंगे दोस्तों खनिजों के उपयोग, खनिजों के जो उपयोग हैं वो क्या क्या हैं। तो दोस्तों ये हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं, पार्ट नंबर 3 के अंदर खनिजों के उपयोग। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।